हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल एस एल टेक्निकल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने पीसी से, जो कि विंडोज 7 का है, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कैसे पाइथन को अनइंस्टॉल कर सकते हो, फुल्ली अनइंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए सबसे आपको आपको कंट्रोल पैनल खोल लेना है, जैसे कि मैंने खोल रखा है। वहाँ पर जाकर आपको प्रोग्राम्स दिख रहा होगा, प्रोग्राम्स पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप नीचे इसके नीचे अनइंस्टॉल प्रोग्राम होगा, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं प्रोग्राम्स पर जाके अनइंस्टॉल प्रोग्राम पर क्लिक करूँगा, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है आपका पाइथन कहाँ है, तो फिर यहाँ पर ABCD के हिसाब से होता है, अल्फाबेट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर मुझे मिल गया, मेरा पाइथन है पाइथन 2.7.1। ये मैंने बहुत ज़्यादा पुराना वाला इंस्टॉल कर रखा है, कई साल पहले किया था, मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ उसे, क्योंकि मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसे विंडोज 10 में इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर मैं इसे विंडोज अब 7 वाले पीसी से डिलीट कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पर आपको सीधे राइट क्लिक कर कर इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक कर अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, या फिर आप सीधे डबल क्लिक कर सकते हो इसके ऊपर। यहाँ पर ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू इंस्टॉल पाइथन 2.7.1 इन द फ्यूचर, डू नॉट शो मी दिस डायलॉग बॉक्स। तो फिर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अगर आप फिर गलती से क्लिक हो गया तो फिर वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, तो इसे आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। अगर आपने बाद में कोई लैंग्वेज इंस्टॉल किया, जैसे पाइथन, जावा, कुछ भी इंस्टॉल किया, तो वो हट जाए, ये डबल क्लिक करने से आसानी से हट जाएगा। तो फिर मैं पाइथन 2.7.1 को डिलीट करना चाहता हूँ, यस, इस पर क्लिक कर दे रहा है, प्रिपेयरिंग टू रिमूव ऐसा आ जाएगा। अगर आपको कोई और वर्जन है तो उसके अंदर कुछ और भी आ सकता है, जैसे कि आपने पाइथन का लेटेस्ट वर्जन लिया है तो फिर कुछ और भी दिखा सकता है, लेकिन नॉर्मली यही चीज़ दिखाई देती है। तो फिर अभी इसके अंदर आ रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगाता है ये इंस्टॉल होने में। जब तक ये टाइम लगाता है इंस्टॉल होने में, आप सीधे मिनिमाइज करिए वीडियो को, सब्सक्राइब टू एसएल टेक्निकल पर जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, लाइक दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर अकाउंट कंट्रोल ये खुल चुका है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, गैदरिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको इंतजार करना है, ये इंस्टॉल हो रहा है अभी, क्योंकि अगर आप यहाँ से कोई सा भी कर सकते हैं, मेरी दूसरी वीडियो देख मैं जिसमें मैंने अनइंस्टॉल प्रोग्राम बताया, उसमें देख कर अगर आप यहाँ से कुछ भी अनइंस्टॉल करने की कोशिश करते हो तो 1 सेकंड में जाता है, कुछ टाइम नहीं लेता। पाइथन में टाइम लेता है क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, इसलिए इसके अंदर टाइम लिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मेरे सॉफ्टवेयर से, मेरे पीसी से पाइथन नाम का सॉफ्टवेयर डिलीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ई पे जाता हूँ मैं, तो फिर यहाँ पर PPTXVUERP में पाइथन नहीं है, मैं यहाँ से डिलीट हो चुका है पाइथन फुली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एस एल टेक्निकल।